गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ टीथ, बट टुडे आई डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। आज हम लोग टूथ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो जानते हैं कि टूथ में दो पार्ट, पहला जो पार्ट है वह क्राउन है और दूसरा पार्ट जो है वह रूट। अब क्राउन किसको कहते हैं और रूट किसको कहते हैं ये जानना होगा। तो जो क्राउन है कि द पार्ट विच वी सी, जो पार्ट हम लोग को दिखाई पड़ता है ये पार्ट को हम लोग क्राउन कहते हैं। यही पार्ट क्राउन है जो आप लोग को दिखाई पड़ता है। ठीक है, अपना दांत खोलिए, मुंह खोलिए, आ करिए। ये जो पार्ट सामने का जो दिखाई पड़ रहा ना, यही पार्ट जो है एक क्राउन है। अब नीचे का जो भाग होता है दैट मींस द पार्ट व्हिच वी कांट सी, दैट मींस इट इनसाइड द गम्स, जो गम्स के अंदर होता है वह पार्ट क्या होता है, रूट होता है। ठीक है, अब क्राउन जो होता है वो कवर्ड विथ, क्राउन जो होता है कवर्ड होता है हार्ड वाइट लेयर स्ट्रक्चर्स का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इनामेल। ठीक है, इसके नीचे हार्ड पार्ट होता है जिसको हम लोग डेंटाइन कहते हैं। देन इन द सेंटर ऑफ टूथ देयर इज अ स्पॉट, सेंटर में जो है एक सॉफ्ट पार्ट होता है जिसको हम लोग पल्प कहते हैं। ये पल्प कंटेन द नर्व्स, पल्प में नर्व्स कंटेंट्स होते हैं और ब्लड वेसल्स विच सप्लाई द न्यूट्रिशन टू इनामेल एंड डेंटाइन, जो कि न्यूट्रिशन इनामेल और डेंटाइन को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। ये जो नीचे का जो पार्ट्स है, ये जो पार्ट्स दिख रहे हैं ये गम्स पार्ट। ठीक है, दैट इज द सॉफ्ट टिश्यू दैट सराउंडिंग द बेस ऑफ द टूथ। ये टूथ का जो बेस पार्ट है, जो टिश्यू होता है इससे टिश्यू को हम लोग गम्स कहते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। आप आगे हम लोग को दांत का केयर कैसे करते हैं, दैट मींस केयर ऑफ अगला जो पार्ट है उसमें क्या है, केयर ऑफ टीथ, टीथ का केयर हमें कैसे करना चाहिए। तो जानते हो सबसे पहला क्या है कि ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, दिन में कम से कम दो बार ब्रश करना चाहिए। आफ्टर एंड बिफोर द टेकिंग फूड, यानी कि भोजन लेने से पहले और फिर बाद में हमें अच्छी तरह से ब्रश करना चाहिए। दूसरा यह है कि एवरेज यूज टू क्लीन टूथ ब्रश, हमेशा जो है वो क्लीन टूथ ब्रश से एंड सॉफ्ट विथ स्ट्रॉन्ग ब्रिस्टल, स्ट्रॉन्ग ब्रिस्टल की सहायता से हमें क्या करना चाहिए, ब्रश करनी चाहिए, यानी कि टूथ को क्लीन करनी चाहिए। यूज टू डेंटल फ्लॉस टू क्लीन सम गैप्स बिटवीन द टीथ, और दांत को अच्छी तरह से एरोगर करके हमें साफ करनी चाहिए। एंड एवरेज रीच योर माउथ टू ईटिंग एनीथिंग, रिमूव द बीट्स द फूड स्टफ इन द टीथ, यदि टीथ में कहीं भी कोई फूड स्टफ रह जाता है तो उसे हमें क्या करना चाहिए, किसी चीज से हटा देनी चाहिए, बल्कि बीट्स ऑफ फूड स्टफ इन द टीथ को रिमूव कर देनी चाहिए। ओके, आप ये भी ध्यान दीजिए कि टाइम टू टाइम चेक योर टीथ टू डेंटल स्पेशलिस्ट, डेंटल स्पेशलिस्ट से टाइम टू टाइम टीथ को क्या करनी चाहिए, चेक करानी चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम।